हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल व्लॉग लेके आई हूँ। मैं मेरे छोटे बेटे के नामकरण का व्लॉग है। स्टार्टिंग की दो फ़ोटो आपने देखी होगी। फर्स्ट वाली फ़ोटो मेरे बेबी के 15 डेज़ की थी और सेकंड वाली फ़ोटो आज की है। तो मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स। ये एक दिन पहले की वीडियो है। इस दिन हमने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। आप सब जानते हो मैं नारायण को और माता रानी को कितना ज़्यादा मानती हूँ। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेबी अच्छे से हो जाए, ऑपरेशन वगैरह सब सक्सेसफुल हो जाए, मैं ठीक रहूँ, मेरे बच्चे ठीक रहे, तो मैं नारायण की पूजा रखवाऊंगी घर में। तो उस नारायण और माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ मेरा अच्छे से हो गया। तो मेरा ये फ़र्ज था कि उनकी मन्नत पूरी करूँ। ये मेरा बाबू है, ये उसी दिन के जिस दिन पूजा था। देख लीजिए, ये वाली ड्रेस पापा बाबू के लिए लेके आए थे। घर में सारे घर के फैमिली मेम्बर्स है और सच अच्छे से पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी, हवन हुआ था और आरती हुई थी, फिर पंडित जी का खाना वगैरह हुआ था। ये पंडित जी बहुत अच्छे थे, विजय के फ्रेंड ने हमें बताया था इनके बारे में। तो बहुत अच्छे थे, इन्होंने पूजा वगैरह कराई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगता है ना घर में जब पूजा होती है कुछ और हवन वगैरह होता है तो पॉजिटिव थिंक आ जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबको कैसा लगता है आप सब मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आप लोग सब नारायण की पूजा को इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का लुक देख लीजिए। ये मैंने पीले की साड़ी पहनी है। ये 26 नवंबर का व्लॉग है। हमारे यहाँ पे जब बच्चा होता है तब पीले की साड़ी भी माँ को पहनाई जाती है। तो ये मेरे पापा के वहाँ से थी, पर पसंद विजय की है। विजय ने मेरे लिए पसंद करके लेके आए थे। और जो ज्वेलरी वगैरह मैंने पहनी है वो सब सच्चे वर्क की है, और मोती का सच्चा वर्क है, राजस्थान की ज्वेलरी है, रानी सेट एंड पंचलड़ा। साइड में मैंने मोती की तगड़ी पहनी है, रखड़ी पहनी है और ईयरिंग्स पहने हैं। तो मेरा लुक आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और मैं पार्लर से रेडी नहीं हुई थी, मैं घर पे ही रेडी हुई थी। ये बाहर का मेन गेट हमने डेकोरेट किया था, सब घर वालों ने किया है, विजय ने, बच्चों ने मिलके। और ये सब मेरे फ्रेंड लोग आ गए हैं। जो रेड साड़ी में वो रीता है, ममता दीदी है, मेरी सासू माँ है, प्रिया है, सुमन है, और उधर में भी अर्णव की मम्मी है। एक्चुअली में हमने बहुत सारे जन को बुलाया था, 200 जन को बुलाया था, तो उसमें से 190 के आसपास या 180 के पास तो सबको ही आए थे। और थोड़ा सा कंजेस्टेड इसलिए हो गया कि हमारा मकान है ना, तो ऊपर नीचे हो गया, तो इतनी सारी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि गेस्ट को भी अटेंड करना था। जैसे जैसे सबको ये आ रहे थे, ये सब बिहाला वाली ताई जी वगैरह है हमारी, ये पड़ोसी हमारे, मेरी ग्रीन साड़ी में मेरी खुद की ननंद है पिंकी दीदी, यहाँ पे भी ये बिहाला वाली ताई जी है, मोना दीदी है, ब्लू साड़ी में अंकित भैया की वाइफ है, सब कोई आ रहे थे, जा रहे थे, मिल रहे थे। फ्रेंड माने इन लोग को अटेंड करने में हमारा टाइम लग रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो कब बनाए। ये मेरी फ्रेंड है पिंक साड़ी में, आरफ के दोस्त की मम्मी है दृशान की, दीपिका, और ये सब विजय के फ्रेंड है ऑफिस के, ये आरफ की बंगाली टीचर हैं। सबको इस तरीके से आ रहे थे, बहुत बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। और ये सबको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, विजय और हेमंत के फ्रेंड लोग हैं। तो हमने इन्जॉय ज़्यादा किया, वीडियो कम बनाई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना, क्योंकि इन्जॉय भी करना ज़रूरी होता है। अब ऐसा वीडियो में नहीं रहना चाहिए, इन्जॉय भी करना चाहिए। तो हमने इस बार बहुत इन्जॉय किया और सच में हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। सबको ही आए, सबने इतनी गुड विशेस दी, मेरी ताई जी वगैरह भी आई थी। तो आप सब मेरे बच्चे को प्यार दीजिएगा बहुत सारा। और हाँ, फाइनली मैं आपको बता दूँ, मेरे बेटे का नाम रखा गया है श्रीयान, आपको दिख जाएगा वॉल पे डेकोरेट किया हुआ है। और ये सब मेन्यू था, पता है आपको, इन्जॉय करने के चक्कर में हम वीडियो ही बनाना भूल गए। मैंने विजय को बोला था फर्स्ट में वीडियो बनाने, लेकिन ये लास्ट की वीडियो है जब काफ़ी जन खाना खा चुके थे। तो आधी प्लेटें आपको साफ लग रही है, लेकिन बहुत अच्छा मेन्यू था हमारा खाना वगैरह का भी। और इस तरीके से हमने अपना छोटा सा माने बहुत अच्छा सा ये दिन सेलिब्रेट किया, और मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है ये, और मेरा श्रीयान भी हमारी ज़िंदगी में आया है। तो ये मेरा क्यूटी पाई सा बेटी है, बेबी है श्रीयान, और ये मेरे नारायण है। इस तरीके से काफ़ी जन की वीडियो नहीं ले पाई तो फ़ोटो ली, तो फ़ोटो आपको ऐड करके दिखा दिए जा रही है। तो आप सबको श्रीयान नाम कैसा लगा आप सब मुझे बताइएगा। मेरे बड़े बेटे का नाम है आरव, छोटे बेटे का नाम है श्रीयान। ये रहा मेरा क्यूटी पाई श्रीयान। ये 15 दिन का जब ये हुआ था
तब की फ़ोटो है, जिस दिन मेरा वो चूड़ा पूजन का था, उसकी भी वीडियो मैंने शेयर कर दी है। आप लोग ने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी ऐड लिंक ऐड कर दूँगी। और आज के नामकरण का व्लॉग भी आप लोग शेयर देख लीजिए। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मेरे सेकंड चैनल आरव स्टूडियोज़, मेरे बेटे का जो चैनल है ड्राइंग का, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए आप सब ये सब फ़ोटो इन्जॉय